चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने टेंथ में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, इट मींस मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल को मेजर करना। क्लियर? अच्छा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है कहाँ यूज होती है? साइंस ऑफ सीजमोलॉजी, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, प्रेडिक्टिंग द हाइट ऑफ टाइड्स इन द ओशियन, एनालाइजिंग अ म्यूजिकल टोन एंड इन मैनी अदर एरियाज। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन से कहाँ का यूज होता है? अब देखिए, आपने लास्ट ईयर टेंथ में हाइट डिस्टेंस पढ़ा था, अब हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपने एंगल जो होता है आप जानते हो, एंगल में एक टर्मिनल साइड होती है, दूसरा इनिशियल साइड होती है और वर्टेक्स होता है। इट मींस कैसे होता है अगर हम बात करें एंगल्स की, ध्यान से देखना आप, बस थोड़ा एक समझ लीजिए उसके बाद कर हो जाएगा आपका। जैसे ये एंगल है, ठीक, इसमें आपने ध्यान से देखना, ये आपकी इनिशियल साइड है। क्या? ये इनिशियल साइड, क्लियर, और ये आपकी टर्मिनल। क्या? ये टर्मिनल, और ये आपकी वर्टेक्स है। ये क्या? आपकी वर्टेक्स। अच्छा, उल्टा बनाए ये ऐसे, तो ये क्या आपकी वही इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, ठीक, और ये आपकी वर्टेक्स। अब यहां पर जो बनता है एंगल, ये जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तरफ जाते हैं तो ये क्या है? पॉजिटिव एंगल बनता है। कौन सा बनता है? पॉजिटिव एंगल, क्लियर। और जब क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। कैसे? जब ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड, जो और ये क्या है? ये ओरिजिनल रे है। ये कैसी है? ओरिजिनल। इनिशियल क्या होती है? ओरिजिनल। और जो फाइनल पोजिशन होती है रोटेशन के बाद, ये रोटेट हुआ है, फाइनल पोजीशन क्या है? तो टर्मिनल साइड कहलाती है। रोटेट होने के बाद जो फाइनल पोजीशन होती है वो टर्मिनल साइड कहलाती है, और ओरिजिनल साइड कौन सी होती है? इनिशियल साइड। तो यहाँ पर इनिशियल साइड से रोटेट हुई टर्मिनल साइड की तरफ, कहाँ? ऊपर की तरफ। तो ये किसकी तरफ हुई? द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये क्या है? वर्टेक्स। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। अच्छा, अब ध्यान देखिए, अगर रोटेशन की डायरेक्शन, अगर रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं? एंटी क्लॉक, तो एंगल पॉजिटिव एंगल होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। अगर जो रोटेशन की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंगल पॉजिटिव होगा। और अगर रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो ये नेगेटिव एंगल होगा। कैसे होगा? नेगेटिव एंगल, समझ गए? अगर रोटेशन की डायरेक्शन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज होगी, कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव एंगल। और अगर जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की जो रोटेशन होगा वो अगर क्लॉकवाइज होगा तो एंगल कैसे होगा? नेगेटिव एंगल होगा। क्लियर होगा? समझ में आ गया आपको? अच्छा, एक बार फिर रिपीट करा दूं कि एंगल में एक इनिशियल साइड होती है, एक टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड कहलाती है ओरिजिनल, और जब रोटेशन पर जाती है तो जो फाइनल साइड होती है वो टर्मिनल। जब रोटेशन कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव। और जब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो एंगल कैसा होता है? नेगेटिव। और जो वर्टेक्स होती है, अगर वर्टेक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, द पॉइंट ऑफ रोटेशन, द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्लियर? दो टाइप के एंगल बनते हैं। अब एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है। एक तो आपने पढ़ा है डिग्री मेजर, एंगल को किसमें किया था? डिग्री में किया था। पहला तो आपने पढ़ा डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, ठीक, डिग्री में तो आपने पढ़ा है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री पढ़ा है, माइनस 30 डिग्री,
मास के 4 4 20 डिग्री, ये तो आपने डिग्री मेजर है। और जो रेडियन मेजर, पहले अब हम यहाँ पर दो फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, ये आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा, डिग्री मेजर के और किसके। डिग्री मेजर का जो फॉर्मूला होता है 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, इंटू रेडियन मेजर, ये किसका फॉर्मूला है, डिग्री मेजर का। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रेडियन डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ये क्या है, एंगल को दो तरीके से हम मेजर करते हैं, एक डिग्री मेजर से, दूसरा रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या है, रेडियन मेजर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, इंटू डिग्री मेजर। बस ये दो फॉर्मूले हैं कि किसमें डिग्री आपसे पूछा करते हैं, टाइप से हम लोग मेजर करते हैं, रेडियन में और एंगल में। एंगल मेजर का जो रेडियन मेजर, रेडियन में और डिग्री में, डिग्री का फॉर्मूला क्या है, 180 अपॉन पाई रेडियन मेजर, और रेडियन का क्या है, पाई 180। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। देखिए देखिए बच्चों, इसमें पूछा है फाइंड द रेडियन मेजर, पहला क्वेश्चन है 3.1 का, फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन मेजर फाइंड करना है अगर डिग्री दे रखी, जिसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, पहला 25 डिग्री, दूसरा -47 डिग्री, 30 मिनट। हमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब ये दे रखा है तो आपने, बच्चे ज़्यादातर सेकंड पार्ट पूछते हैं इसका, मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कराऊंगा, थर्ड पार्ट बहुत ईजी है, फर्स्ट पार्ट कराऊंगा वैसे ही है, लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा टिपिकल है, बहुत ध्यान से देखिए, इसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, क्या निकालना है, रेडियन मेजर्स, क्या निकालना है, रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था ना आपको अभी, रेडियन मेजर्स, फर्स्ट पार्ट देखिए पहले, रेडियन मेजर्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर लिखवाया था। अब देखिए पहले पार्ट में डिग्री मेजर कितना रखा है, पाई अपॉन 180 एज इट इज, और डिग्री मेजर कितना, 25 25। तो देखिए ध्यान से काट सकते हैं, जितना कट जाएगा 5 5 25, 5 से कटेंगे 36, तो 5 पाई बाई 36, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन हो गया आंसर। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए आप, वन, यहाँ पर बहुत नोट करने वाली चीज लिख लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन होता है डैश जैसा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 60 ये डबल साइन है सेकंड का। अब आपको क्योंकि 11th में आ गए तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना होता है कैसे नहीं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, पहले तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये आपको अच्छे से समझना है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 1 डैश है तो मिनट और डबल डैश है तो सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जो अगर पाई रेडियन होता है तो बाई पाई रेडियन इसका मतलब होता है 180 डिग्री, और अगर 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन तो इसका होता है 360 डिग्री। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, पाई रेडियन 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, ये जरूर नोट कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, देखिए पाई अपॉन 180 एज इट इज, क्लियर, इनटू डिग्री मेजर कितना है, -47 डिग्री 30 मिनट, क्लियर। आप देखिए 47 डिग्री 30 मिनट यही तो लिखा है, तो इस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30 को क्या लिख सकते हैं, जैसे माइनस जो 47 डिग्री 30 मिनट है उसको क्या लिख सकते हैं, 47 30 अपॉन कितना 60, क्यों, तो बताया था 1 मिनट कितने सेकंड होती हैं, और
इस मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 1 डिग्री मिनट कितनी होती है, 1 डिग्री मिनट भी 60 होती है, तो 60 का डिवाइड कर दो तो ये भी क्या बन गया, डिग्री बन गया। थ्री वन जाती है 3 2 6, यानी 47 कम्प्लीट 1/2 डिग्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हमने मिनट को डिग्री में चेंज कर लिया क्योंकि 60 का होता है, तो 60 डिवाइड कर देंगे तो 95/2 क्या बन गया, डिग्री। तो देखिए ध्यान से, पाई अपॉन 180 एज इट इज इनटू माइनस के 95/2 क्या, डिग्री। समझ आ रहा है? आप ध्यान से देखिए, ये 5 से कैंसिल कर दिया 19 बार, 5 से कैंसिल कर 36 बार, क्लियर हो गया। तो 19 का पाई में मल्टीप्लाई, माइनस पहले आएगा 19 पाई अपॉन 36 टू जा 70 रेडियन, क्या चीज़, रेडियन। क्लियर? ये हमें सिर्फ इतना करना था कि 47 डिग्री 30 मिनट को, जो 30 मिनट दे रखा था इसको, जैसे आपको जैसे आप मिनट को सेकंड चेंज करते हैं, मिनट को सेकंड में, तो 60 का डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे। ऐसे ही मिनट है, डिग्री चेंज करना है तो 60 का डिवाइड कर दिया, तो 3 बन जाती है 3 2 6 0 0 कैंसिल हो गया, तो 1/2 बचा, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया, 95.2 डिग्री बन गया। ये यहाँ पर लगकर सॉल्व कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बाकी दोनों जो क्वेश्चन पार्ट हैं बिल्कुल ऐसे इट इज करने ऐसे हैं जैसे ये रखा है, उसमें तो इतना भी नहीं करना, सिर्फ आपको रख के वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना केवल, क्लियर। अब देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर, इस बार डिग्री मेजर फाइंड करना, रेडियन दे रखा है, डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या था मैंने आपको, डिग्री मेजर्स फर्स्ट पार्ट देखिए पहले क्या होता है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर्स ध्यान से देखना बच्चों। अब 180 अपॉन पाई एज इट इज इंटू रेडियन कितना है, 11/16, ठीक। अब देखिए, जब अब इसमें हमने क्या कर दिया, अब 180 अपॉन पाई एज इट इज रेडियन कितना है, 11/16, अब 4 से काट दीजिए, 4 16 45, अब क्या बचा, 45 इंटू 11 एज इट इज अपॉन 4 पाई। अब हम पाई की वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है, 22/7 होती है, तो ध्यान से देखिएगा, 45 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 22/7 का जाएगा ऊपर, क्लियर। अब 45 का 11 में, 11 का 7 में और 22 का 4 में, पहले कुछ कट सकता है तो उसे काट देंगे, कुछ कटता दिखाई दे रहा आपको। अब इसमें 11 से 22 कैंसिल हो रहा है, तो कट कर दिया हमने, अब आंसर आया 315/8, 4 2 8 डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे बच्चों, यही चीज़ समझने की है, जब डिग्री आया तो इसको मिनट में सेकंड, डिग्री में मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, कैसे चेंज करेंगे ध्यान से, वो 8 का 315 में डिवाइड, ढंग से देखिएगा, 8 2 16 बहुत कम होगा, 8 3 24 चला जाएगा, 3 बार कितना था, 7 उतारेंगे 15, 8 9 70 कितना बचा, 3। अब ये क्या है, डिग्री बचा 3, क्या बचा, डिग्री 3 डिग्री, और ये आ गया 39 डिग्री। ध्यान समझना अच्छे से, ऐसे नहीं कि सोच चल दिया, अब बचा 3, अब 3 × 60 कर देंगे इसको, क्योंकि क्या बन गया, मिनट क्या बन गया जी, समझ आ रहा नहीं आ रहा है आपका, जो बचा कितना बचा, 3 डिग्री बचा। अब 3 का 8 का डिवाइड 3 में जाएगा नहीं, तो डिग्री को मिनट चेंज कर लिया, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 3 में कितना होगा, 360, 3 × 60 तो यानी 180 हो गया जी, कितना हो गया 180। अब 180 में डिवाइड करेंगे 8 का, ध्यान से देखिएगा, यहीं से 8 2 16 कितना बचा, 2 उतारेंगे 0, अब 8 2 16 कितना बचा, 4। ये डिग्री से क्या बन गया था, मिनट, ये मिनट है ध्यान रखना, तो ये कितना आया, मिनट। अब मिनट को, ये मिनट बचे 4, क्या अच्छा 4 मिनट, अब मिनट को सेकंड चेंज करेंगे तो 4 × 60 जी क्या बन गया, सेकंड, क्या बन गया, सेकंड, कितना हो गया, 240 सेकंड,
240 तो हो गया 64 जा 240। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 24 और 0 का 0 तो 39 degree 22 minute 30 seconds। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार फिर समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कैसे। पहले आपने सिंपल डिवाइड किया 8 का, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है डिग्री, क्या लिखा हुआ है डिग्री, और मैंने आपको बताया था 1 degree में 60 minute और 1 minute में 60 seconds। तो ध्यान से देखिए, 8 का डिवाइड किया 3 टाइम्स हो गया 75, फिर 72 9 बार 3 बचा, 3 degree बचा, क्या बचा डिग्री। तो बच्चों डिग्री को मैंने मिनट चेंज कर लिया, 3 into 60 कर दिया, कितना आ गया 180। अब 180 में 8 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स गया ये आ गया, फिर 220 बचा 2 टाइम्स गया ये आ गया। अब 4 मिनट बचा, क्या बचा 4 मिनट, मिनट को सेकंड चेंज कर दिया तो 4 into 60 तो 240 हो गया, फिर 2 4 जा 2 3 24 ये। तो आंसर लिख देंगे आपका, इस पर डिवाइड किया तो 39 degree 22 minute 30 seconds। क्लियर? ऐसे करेंगे इसको। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/π × रीडिंग मेजर। अब 180/π ठीक, रीडिंग कितना मास के फोर्स। अब 180/π एज इट इज 20π वैल्यू दो 22.7 7 का मान जाओ ऊपर इंटू मास के फोर्स। अब कुछ कटेगा तो नहीं, यस कटेगा आपका, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 × 2 = 4। क्लियर? तो आपका आ गया आपका -k 2520/11 degree measure। अब हम लोग 11 का डिवाइड करेंगे, फिर ध्यान से देखिएगा 11 का डिवाइड करेंगे, देखिए 2520 में किया 11 × 2 = 22 कितना होता 3 बता रहे हैं, 2 11 2 = 22 कितना होता 100, 11 9 = 99 कितना होता 1। 1 degree बचा बच्चों, अब तो 1 degree बचा तो 1 degree को 60 क्या ये 60 में मल्टीप्लाई तो क्या बन गया मिनट, यानी 60 हो गया जी। अब 11 का 60 में 11 5 = 55 कितना होता 5, ये 5 मिनट बचा तो किस में चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो कितना हो गया जी 65 300, तो 300 का डाल के 11 में 11 9 = 11 2 = 22 कितना होता 8 80 हो गया, 11 7 = 77। अब 77, अब यहाँ पर 3 बचा, क्या बचा 3, तो लगभग ये अप्रोक्स में हम लिख देते हैं क्या, जैसे हमने इसमें लिखा 29 to 29 degree क्योंकि पूरा जाएगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे 229 degree फिर 5 minute 27 seconds। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा अभी, तो 3 seconds तो बचेगा, तो सेकंड के आगे अब कोई है नहीं, तो ये अप्रोक्स हो सकता है। क्लियर? तो अब आपको तरीका क्या, वही है, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड जहाँ बचेगा लास्ट में डिग्री से मिनट चेंज कर लेंगे 60 का मल्टीप्लाई करके, 60 × 160 हुआ, 11 का डिवाइड किया फिर 5 बचा, मिनट को सेकंड चेंज कर लिया 60 का 5 में 300 हुआ। अब 11 का डिवाइड करें फिर इसमें तो 27 degree 229 degree 5 minute 27 seconds। क्लियर? दैट्स इट। बाकी जो दो पार्ट्स हैं बहुत ईजी हैं, जैसे आप देखिए डिग्री मेजर थर्ड पार्ट देख लीजिए, इनटू रेडियन मेजर्स। अब यहाँ पर 180/π एज इट इज और रेडियन मेजर कितना है 5π/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 60 का कैंसिल हो गया, तो 60 का 5 में 300, ये तो सीधा 300 degree आ गया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही नेक्स्ट वाला पार्ट है। तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट थे, थर्ड भी करा दिया, फोर्थ पार्ट बिल्कुल और भी एज इट इज है, अपना कर लीजिएगा, ठीक है।